Hello my dear students and welcome back again. Today I'm going to start class 7th English NCERT textbook chapter 11th and that is Expert Detectives. So let's start this chapter. Nishada, boy of 7, also called 7 because his name means the 7th note on the musical scale, and his 10 years old sister Maya are very curious about one Mr. Nath. Then one day the children's mothers rolls into Mr. Nath's room and Nishad gets a chance to see him. Is he a crook on the run? Why his face badly scarred? Why has he no friends? Nishad's mother, a doctor, knows Mr. Nath as a patient who is very polite. तो इस स्टोरी में निषाद एक बॉय है जो कि 7 ईयर्स ओल्ड है और उसको 7 भी इसीलिए कहते हैं क्योंकि जो उसका नेम्स है वो किससे बिलोंग करता है, म्यूजिकल स्केल के 7 नोट से. उसकी एक सिस्टर है जो कि 10 ईयर्स ओल्ड है और उनका नाम है माया, जो कि बहुत ज़्यादा क्यूरियस है, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है. किसके लिए? मिस्टर नाथ के लिए. एक दिन जब बच्चे वहाँ पर मार्बल खेल रहे थे और वो जो मार्बल्स होते हैं वो रोल्स डाउन होके मिस्टर नाथ के रूम में चले जाते हैं, तो निषाद को एक चांस मिल जाता है मिस्टर नाथ को देखने का. और वो देखना चाह रहा था क्या वो कोई क्रूक है जो कि पुलिस से बचते हुए फिरे हैं या फिर उनसे बच रहे हैं, या फिर उनके फेस में वो बैडली स्कार्स क्यों पड़े हुए हैं, क्या उनका कोई भी फ्रेंड नहीं है. जो निषाद की मदर है वो क्या है, डॉक्टर है, और जो कि मिस्टर नाथ के बारे में जानती है क्योंकि जो मिस्टर नाथ है वो उनके क्या है, पेशेंट है. और उनको ये भी पता है मिस्टर नाथ बहुत ज़्यादा कैसे हैं, पोलाइट है. एज वी वॉक बैक टूवर्ड्स द क्लिनिक, 7 सेड ही डजंट लुक एनीथिंग लाइक अ मॉन्स्टर माया, बट डिड यू सी हाउ थिन ही इज, मे बी ही इज वेरी पुअर एंड कांट अफोर्ड टू ईट. तो क्या होता है, जब वो क्लिनिक के पीछे से आ रहे थे तो जो 7 है वो कहता है कि मुझे तो नहीं लगता कि वो मॉन्स्टर है माया, क्या तुमने देखा है वो कितने से दुबले पतले से हैं, और मे बी वो बहुत ज़्यादा पुअर हो सकते हैं और अपने के लिए खाना भी नहीं खरीद सकते हैं. ही कांट बी पुअर इफ ही इज़ अ क्रूक ऑन द रन. आई टोल्ड हिम ही इज प्रोबेबली गॉट मिलियंस ऑफ रुपीज स्टैट्स अवे समवेयर इन दैट रूम. तो क्या कहती है कि मुझे नहीं लगता कि वो कोई पुअर है, अगर वो क्रूक हैं, अगर वो क्रिमिनल हैं, वो भागे आए हुए तो उनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है जो कि उन्होंने कहीं पे छुपा के ही रखा है. स्टेट्स मीन्स होता है छुपाना. डू यू रियली थिंक ही इज़ अ क्रिमिनल माया, ही डजंट लुक लाइक वन. निषाद लुक डाउटफुल. तो जो निषाद होता है वो कहता है कि माया तुम्हें सच में लगता है वो क्रिमिनल है, वो तो ऐसे नहीं दिखते. और निषाद क्या करता है, माया को बहुत ज़्यादा डाउटफुल लुक से देखता है. ऑफकोर्स ही इज वन 7 आई सेड, एंड ही सर्टेनली इज नॉट स्टार्विंग. मिस्टर मेहता टोल्ड अस दैट रमेश ब्रिंग्स हिज मील्स अप फ्रॉम द रेस्टोरेंट डाउनस्टेयर. तो क्या होता है, जो माया वो कहती है ऑफकोर्स वो क्या है, क्रिमिनल है और वो कुछ भी कमाते नहीं है. और मिस्टर मेहता ने मेरे को बताया भी था कि जो रमेश है वो रेस्टोरेंट से होके उनके लिए क्या लेके आता है, खाना लेके आता है. बट माया, मिस्टर मेहता टोल्ड अस ही डजंट वर्क एनीवेयर, सो हाउ कैन वी ही पॉसिबल हैव मनी टू पे फॉर फूड, निषाद सेड. और उसके बाद जो निषाद है वो माया से कहता है कि मिस्टर मेहता ने हमें ये भी बताया था कि वो कहीं पे काम नहीं करते हैं, तो ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है कि वो फूड खरीदे जब उनके पास पैसे ही ना हो, ऐसा कौन कहता है. निषाद कहता है एग्जैक्टली, आई एक्सक्लेम, ही मस्ट हैव लॉट्स ऑफ मनी हिडन समवेयर, मे बी दैट ट्रंक इन हिज रूम, इट्स अ प्रोबेबली फुल ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड ज्वेल्स. एंड तो बताती है कि एग्जैक्टली, मैं यही एक्सक्लेम करना चाहती हूँ कि उनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है जो कि उन्होंने क्या किया है, कहीं पर छुपा दिया है, और मे बी वो रुपये उनके उन ट्रंक्स में भी हो सकते हैं जो कि उनके रूम पे है, और शायद उसके अंदर बहुत सारे सिल्वर गोल्ड के क्या मिल जाए, हमें ज्वेल्स मिल जाए. वॉट आर रबिश, निषाद इंटरप्टेड. निषाद उसे बीच में रोकते और कहते हैं क्या बकवास. आई नो आई एम राइट स्टूपिड, आई टोल्ड हिम. बाय द वे 7, डिड यू सी हिज स्कार्स, आई कुडंट, इट वॉज टू डार्क, बट आई बेट ही गॉट देम ड्यूरिंग अ शूट आउट विद द पुलिस और समथिंग. तो क्या होता है, माया कहती है निषाद से, मुझे पता है स्टूपिड मैं राइट हूँ और तुमने देखा है कि उनके चेहरे पे कुछ निशान है, लेकिन मुझे ये पता है कि वो निशान इतने ज़्यादा डार्क नहीं है, लेकिन मैं ये भी जानती हूँ वो निशान कैसे है. वो निशान इसलिए पड़े हैं जब वो पुलिस से बच रहे होंगे या फिर कुछ इंसिडेंट हुआ होगा, तब उनके फेस पे वो निशान पड़े होंगे. मम्मी टोल्ड अस क्वाइट क्लियरली दे वर बर्न स्कार्स, निषाद सेड फॉर्मली. तो जो निषाद होता है वो कहता है कि मम्मी ने हमको बताया था ना कि वो निशान जलने के निशान है,
Perhaps the police had to set his house on fire to force him out, I suggested. Servant looked unsure. तो क्या होता है, जो माया वो कहती है कि ऐसा भी तो हो सकता है कि पुलिस ने उसका घर जला दिया और घर जल गया होगा, तो उसके बाद वो बचने के लिए वहाँ से भाग आया हो, तो उसको कह रही थी, सजेस्ट करती है, लेकिन जो सेवन होता है वो अनश्योर होकर उसे देखता है. ऑन द मंडे फॉलोइंग ममाज बर्थडे, सेवन वेंट अलोन विद हर टू द क्लिनिक एट गिरागॉम. एज आई वॉज स्पेंडिंग द इवनिंग विद अ स्कूल फ्रेंड्स, व्हेन दे रिटर्न, निशाद टोल्ड मी he did been to see Mr. Nath and I felt most annoyed that I hadn't been there. और मंडे को क्या था, जब मम्मा का बर्थडे था तो जो सेवन है वो अकेले चले जाता है उनके साथ क्लिनिक में गिरागॉम में, और वहाँ पर टाइम स्पेंड करता है अपने स्कूल फ्रेंड्स के साथ. और जब वो वहाँ से लौटता है तो निशाद बताता है कि उसने मिस्टर नाथ को देखा और मुझे बहुत ज़्यादा अजीब से लगा उनको देख कर. Seven had been quite upset about Mr. Nath's gaunt appearance and was sure that he was starving. He told me that he had knocked loudly on Mr. Nath's door that evening and said, "Open the door quickly, Mr. Nath." तो क्या होता है, जो सेवन होता है वो बहुत ज़्यादा चुपचाप हो जाता है, बहुत अपसेट भी हो जाता है मिस्टर नाथ को लेकर उसके अपेरेंस देख के, और वो श्योर था कि वो स्टार्विंग कर रहे हैं. और वो क्या करता है कि जब वहाँ जाता है उनका डोर नॉक करता है जोर जोर से और कहता है कि ओपन द डोर क्विकली मिस्टर नाथ. और जब वो डोर को बहुत तेज से नॉक करता है और कहता है जोर से कि प्लीज़ जल्दी से दरवाज़ा खोलिए. द मैन हैड ओपन इट एंड आस्क्ड हिम लॉस्ट अनदर मार्बल. तो जो मैन होता है वो क्या करता है, दरवाज़ा खोलता है और कहता है क्या तुमने फिर से दूसरा मार्बल खो दिया है. ही हैड ऑब्वियसली रिकॉग्नाइज्ड माय ब्रदर. नो सेड निशाद. He had taken the man's hand in his own and thrust a bar of chocolate into it. तो क्या होता है कि जब वो ऐसा कहते हैं कि क्या तुमने दूसरा मार्बल खो दिया है, तो कहता है कि नहीं. उसे लगता है कि शायद मिस्टर नाथ मेरे भाई को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं. तो उसके बाद क्या होता है, निशाद कहते हैं कि नहीं, मैंने कोई मार्बल नहीं खोया है. वो क्या करता है, उनका हाथ पकड़ता है और उसमें एक बार ऑफ चॉकलेट उनको पकड़ा देता है. डिड यू गेट अ चांस टू पीक इन टू द ट्रंक सेवन, आई आस्क. तो माया उससे पूछती कि तुम्हें चांस मिला उस ट्रंक में झांकने का. निशाद लुक डिसअपॉइंटेड. ही डिडंट इवन आस्क मी इन, ही सैड. देन ही स्माइल्ड. बट आई डिड फाइंड आउट समथिंग माया. आई वेंट डाउन टू द रेस्टोरेंट वेयर रमेश वर्क्स एंड टॉक टू हिम. तो जो निशाद है वो बोलता है कि मुझे ऐसा चांस ही नहीं मिला, उन्होंने मुझे अंदर ही नहीं बुलाया. उसके बाद वो स्माइल करता है, वो कहता है कि लेकिन माया मुझे कुछ और तरीका मिला है, मैं कहाँ गया था, रेस्टोरेंट में गया था जहाँ रमेश वॉक करता है और मैंने उनके बारे में बात की. गुड फॉर यू मिस्टर डिटेक्टिव, आई सेट पैटिंग हिम ऑन द बैक, आई होप यू क्वेश्चन हिम प्रॉपरली. तो उसे कहती है कि बहुत अच्छा डिटेक्टिव, मैंने सुना है कि तुम उनके बारे में उनके पीठ पीछे कुछ क्वेश्चन उनसे पूछ रहे थे प्रॉपरली. सेवन लुक प्लीज. रमेश टोल्ड मी दैट ही टेक्स टू मील्स फॉर मिस्टर नाथ एवरी मॉर्निंग एंड इवनिंग एंड टू कप्स ऑफ टी वन इन द. तो जो सेवन है वो बहुत अच्छे ढंग से उसे देखता है और कहता है कि रमेश ने मुझे बताया था कि वो टू मील्स लेता है मिस्टर नाथ के लिए, जो कि हर मॉर्निंग में और इवनिंग में उनको देता है, और वो टू कप्स टी लेता है मॉर्निंग एंड वन इन द आफ्टरनून. रमेश सेज ही इज़ नॉट वेरी पर्टिकुलर अबाउट वट ही ईट्स, इट्स ऑलवेज द सेम फूड, टू चपाती, सम दाल्स एंड अ वेजिटेबल. मिस्टर नाथ पे कैश एंड टिप्स वेल. तो वो बताता है रमेश उसे के लिए कि मैं उनके लिए दो चाय लेके जाता हूँ, एक मॉर्निंग में एक दिन के टाइम पे. और वो बताते हैं कि जो मिस्टर नाथ हैं वो क्या करते हैं, हमेशा सेम ही टाइप का फूड खाते हैं ज़्यादातर, और उसमें दो चपातीज़ होती है, कुछ दाल होती है, कुछ वेजिटेबल्स होती हैं. और जो मिस्टर नाथ हैं मुझे हमेशा कैश देते हैं और मुझे टिप्स भी अच्छी देते हैं. रमेश टोल्ड मी समथिंग वेरी स्ट्रेंज माया. Seven added, almost every Sunday he carries two lunches to Mr. Nath's room and the same man is with him each time. He is tall, fair, stout and wears spectacles. Ramesh says his visitor talks a lot, unlike Mr. Nath who hardly speaks. तो क्या होता है, वो उसे बताता है कि माया एक स्ट्रेंज सी बात है कि हर संडे को वहाँ पर जो रमेश है वो टू लंचेस लेके जाता है मिस्टर नाथ के लिए, क्योंकि वहाँ पर एक आदमी आता है जो कि लंबा है, उसका कलर भी फेयर है, वो स्पेक्टेकल्स पहनता है और मुझे लगता है कि वो क्या है, विजिटर है जिसके साथ मिस्टर नाथ बहुत ज़्यादा बोल सकते हैं बहुत मुश्किल से. वेल डन निशाद, आई टोल्ड हिम
Now that we have made some progress with our inquiries, we will have to sort out all the facts like expert detective so that we can trap the crook. तो उसे क्या कहती है वो कि well done, बहुत अच्छा निशात, मैंने तुम्हें बताया था ना कि वो क्रिमिनल है और हम अपनी इंक्वायरीज में कुछ प्रोग्रेस कर रहे हैं और तुम्हें एक फैक्ट दिखा कि ये एक एक्सपर्ट डिटेक्टिव की तरह है कि हम इस तरीके से क्या कर सकते हैं, उनको पकड़ सकते हैं. हाउ डू यू गो ऑन माया सेवन साइड, हाउ कैन यू पॉसिबली इमेजिन ही इज अ क्रूक, ही लुक्स सो ऑर्डिनरी. तो जो सेवन है वो माया की तरफ देखते हुए कहते हैं कि तुम ऐसे कैसे इमेजिन कर सकती हो, कैसे पॉसिबल इसे कह सकती हो कि वो क्या है, क्रूक है, वो दिखने में कितने ऑर्डिनरी लगते हैं. क्रिमिनल्स कैन लुक क्वाइट ऑर्डिनरी स्मार्टी, आई रिटॉर्टेड. डिड यू सी द पिक्चर ऑफ द हैदराबादी हाउसब्रेकर इन द पेपर यस्टरडे, ही लुक्ड लाइक एनी मैन ऑन द स्ट्रीट. निशाद लुक डाउटफुल. तो क्या होता है, माया कहती है कि जो क्रिमिनल्स हैं वो दिखने में ऑर्डिनरी लगते हैं, वो अपने जो लुक है उसको स्मार्ट वे में चेंज करते रहते हैं. रुको मैं तुम्हें बताती हूँ, क्या तुमने कल पिक्चर देखी हैदराबादी हाउस ब्रेकर्स की पेपर्स में, वो दिखने में कितना ऑर्डिनरी लग रहा था, जैसे कि कोई भी मैन होते हैं स्ट्रीट में. और निशात माया को बहुत डाउटफुल देखता है. द मानसून ब्रोक द नेक्स्ट डे, डार्क क्लाउड्स अकम्पेन्ड बाय ब्लाइंडिंग फ्लैशेस ऑफ लाइटिंग एंड रोरिंग रोल्स ऑफ थंडर ब्रस्ट विद ऑल देयर फ्यूरी फ्लडिंग द स्ट्रीट विद अ हैवी डाउनपोर. स्कूल वाज टू हैव रीओपन्ड आफ्टर द समर हॉलीडे बट नो ट्रैफिक कुड मूव थ्रू द फ्लडेड रोड्स एंड देयर वाज एन अनएक्सपेक्टेड हॉलीडे. आई थॉट आई डिड स्पेंड द टाइम यूजफुली. आई सेट At my desk in our bedroom with a sheet of paper before me. तो क्या होता है, वो मुझसे बताते हैं कि मानसून क्या होता है, अगले दिन ही क्या हो गया था, मानसून ब्रेक हो गया था और डार्क क्लाउड्स भी आ गए थे, जिसके थ्रू क्या हुआ, वहाँ पर बहुत ज़्यादा लाइटिंग फ्लैशेस हुई, बहुत ज़्यादा आवाज़ आई थंडर की और जो आसपास की चीज़ें वो ब्रस्ट हो गई थी. और उसके थ्रू क्या हुआ, जब बहुत ज़्यादा हैवी रेन हुई तो उससे फ्लड आ गया था स्ट्रीट में और वहाँ पर बहुत ज़्यादा डाउन पोर्स हो गए थे, जितने भी गड्ढे हैं वो पानी से भर चुके हैं. अब जो स्कूल है वो कब खुलेंगे, समर हॉलीडेज के बाद ही खुलेंगे और वहाँ पर कोई भी ट्रैफिक मूव नहीं हो रहा है और रोड्स में क्या हो गया, बहुत ज़्यादा फ्लड आ चुका है, इसलिए ये क्या है, हमारा एक अनएक्सपेक्टेड हॉलीडे है. आई थॉट आई डिड स्पेंड द टाइम यूजफुली. आई सेट एट माई डेस्क इन आवर बेडरूम विद अ शीट ऑफ पेपर बिफोर मी. और उसने बोला कि मुझे लगता है कि मुझे अपना ये टाइम थोड़ा अच्छे से, यानी कि यूजफुल तरीके से स्पेंड करना है और इसलिए मैंने अपने बेडरूम में पहले से ही अपने डेस्क के ऊपर एक सीट बिछा के रखी है. देन आई बिगेन राइटिंग अबाउट हाफ एन आवर लेटर. आई टर्न टुवर्ड्स सेवन हु वाज लाइंग ऑन हिज टमी, चिन कप्ड इन हिज पाम्स, रीडिंग कॉमिक्स. वांट टू हियर व्हाट आई हैव रिटन, आई आस्क्ड. तो क्या होता है कि मैं उस पेपर में लिखना शुरू कर देती हूँ और जब हाफ आवर हो जाता है तो मैं सेवन की तरफ देखती हूँ, जो कि अपने पेट के बल लेटा हुआ था और जो उसके पाम थे वो उसके चिन पे लगे हुए थे. और मैं उसे पूछूँ, क्या तुम सुनना चाहते हो जो मैंने लिखा हुआ है. ही लुक्ड अप क्वेश्चनिंगली. आई हैव लिस्टेड ऑल द फैक्ट्स वी नो अबाउट मिस्टर नाथ विच माइट हेल्प अस टू ट्रैप हिम, आई सेड वॉन्ट टू हेयर. तो क्या होता है कि वो मेरी तरफ थोड़ा क्वेश्चनिंगली देखता है और फिर मैं उसे बताती हूँ कि मैंने इसमें कुछ फैक्ट्स लिखे हैं मिस्टर नाथ के बारे में जो कि हमें हेल्प करेगा उनको पकड़ने में, क्या तुम सुनना चाहते हो. सेवन नूडेड. फैक्ट नंबर वन, जो सेवन होता है वो गर्दन ला के हाँ बोलते हैं. फैक्ट नंबर वन, आई रीड हिज नेम इज मिस्टर नाथ, वी मस्ट डिस्कवर हिज फर्स्ट नेम. तो उसे बोलती है कि फैक्ट नंबर वन ये है कि मैंने उनका नाम पढ़ा है मिस्टर नाथ और हमें सबसे पहले यही डिस्कवर करना है कि उनका फर्स्ट नेम क्या था. डू यू थिंक दैट हिज रियल नेम माया, निषाद आस्क. निषाद पूछते हैं, क्या तुम्हें उनका रियल नेम पता है माया. प्रोबेबली नॉट, आई सेड मोस्ट क्रूक्स हैव एन एलियास. आई एडेड अ बिग क्वेश्चन मार्क आफ्टर नाथ. तो क्या होता है कि जो माया होते थे, शायद से मुझे नहीं पता, लेकिन बहुत से ऐसे क्रूक्स होते हैं जो अपने नेम में एलियास ऐड करते हैं, यानी कि एक अल्टरनेट नेम ऐड करते हैं और मुझे लगता है कि मिस्टर नाथ के बाद भी कुछ ऐड है. फैक्ट नंबर टू, आई रीड ऑन द टिनेट्स एट शंकर हाउस से ही इज अ मैड स्ट्रेंज एंड अनफ्रेंडली. फैक्ट नंबर टू ये है कि मैंने पढ़ा है कि जो टिनेट्स होते हैं शंकर के हाउस पे, उन पर लिखा है कि वो मैड है, स्ट्रेंज और अनफ्रेंडली है. नंबर थर्ड, ही डजंट टॉक टू एनी वन एंड इट्स मैनरलेस. और नंबर थर्ड फैक्ट ये कि वो किसी से बात भी नहीं करते हैं, ये कि एक मैनरलेस है. बट ही डिड टॉक टू अस माया एंड मम्मा सेज ही इज़ वेरी पोलाइट, निषाद इंटरप्टेड.
फिर निषाद क्या करता है, फिर से माया को रोक देता है, इंटरेक्ट करता है, ऑब्स्टेकल हो जाता है माया के कन्वर्सेशन में, और उसे कहता है कि मम्मा ने हमको बताया था ना वो बहुत ज़्यादा पोलाइट है, लेकिन वो हमसे भी तो बात करते हैं, हमसे और मम्मा से भी तो बात करते हैं। ही ओनली टॉक टू अस बिकॉज ही हैड टू, आई सेड, एंड सिंस ही वॉज अंडर मम्मास मेडिकल ट्रीटमेंट ही हैड टू बी पोलाइट। वो कहती है कि वो हमसे सिर्फ इसलिए बात करते हैं क्योंकि वो क्या करते हैं, मम्मा के मेडिकल में क्या करते हैं, अपना ट्रीटमेंट वहाँ से लेते हैं, इसलिए वहाँ पर क्या होते हैं, पोलाइट होते हैं। फैक्ट नंबर फोर्थ, ही डजंट रिसीव एनी लेटर, सेवन नोटेड। तो कहती है फैक्ट नंबर फोर ये कि उन्होंने कोई से भी लेटर रिसीव नहीं किया, तो जो सेवन होता है वो भी फिर से अपनी गर्दन हिलाता है। नंबर फाइव, ही इज बीन लिविंग इन रूम 10 ऑफ शंकर हाउस फॉर मोर देन अ ईयर, आई कंटिन्यूड। तो कहते हैं फैक्ट नंबर फाइव ये है कि वो शंकर के हाउस में रहते हैं, रूम नंबर 10 में रहते हैं, और बहुत लंबे समय से वो वहीं से पे रह रहे हैं। नंबर सिक्स, ही डजंट वॉक एंड सिट इन हिज रूम ऑल द डे। वो कहते हैं कि वो कोई वर्क नहीं करते और अपने ही रूम में दिन भर बैठे हुए रहते हैं। नंबर सेवन, द किड्स इन शंकर हाउस एंड इवन सम ऑफ द ग्रोन अप्स आर स्कार्ड ऑफ हिम। तो वो कहते हैं कि जो शंकर के हाउस में जो किड्स हैं, जो बच्चे हैं, और कुछ ऐसे बच्चे जो बड़े हो रहे हैं, वो भी उनके जो निशान हैं उनको देख के क्या हो जाते हैं, डर जाते हैं। नंबर एट, ही हैज़ नो विजिटर एक्सेप्ट फॉर अ स्पेक्टल्ड फेयर फैट मैन हु विजिट हिम ऑन संडेज फॉर लंच। वो कहते हैं कि उनके घर में कोई भी नहीं आता सिवाय उस इंसान के जो क्या होता है, स्पेक्टेकल पहन के आता है, और दिखने में उसका कलर फेयर भी है और थोड़ा फैट भी है, और वो सिर्फ वहाँ संडे में आता है। क्यों आता है, सिर्फ लंच करने को। नंबर नाइन, फूड एंड टी आर टेकन टू हिज रूम बाई रमेश फ्रॉम द रेस्टोरेंट डाउन स्टेयर्स ही। वो बोलती है कि फैक्ट नंबर नाइन ये है कि जो फूड और टी है वो उसके रूम में कौन लेके जाता है, रमेश लेके जाता है, जो कि वो रेस्टोरेंट से मंगवाता है। डजंट केयर वट ही ईट्स, पे हिज बिल्स इमिडिएटली एंड टिप्स वेल, दैट्स एंड माई लिस्ट, हैव आई फॉरगॉटन एनीथिंग सेवन। तो क्या कहती है, बताती है कि वो ये भी केयर नहीं करता कि वो क्या खा रहा है, और बिल भी तुरंत पे कर देता है, और अच्छे टिप्स भी देता है, और सेवन मेरी लिस्ट खत्म हो गई है, क्या मैं कुछ भूल रही हूँ। निषाद हैड ऑब्वियसली नॉट बीन पेइंग टू मच अटेंशन टू माई लिस्ट ऑफ फैक्ट्स, ऑल ही कुड से वॉज पुअर मैन माया ही मस्ट बी सो लोनली इफ ही डजंट हैव एनी फ्रेंड्स। तो क्या होता है कि जो निषाद है वो ऑब्वियसली क्या होता है, कुछ ज़्यादा ही अटेंशन नहीं दे रहा था मेरी लिस्ट में, मेरे फैक्ट्स में, और वो कहता है कि माया वो बहुत पुअर मैन है, वो बहुत ज़्यादा लोनली फील करते हैं, और उनके पास कोई भी फ्रेंड नहीं है। हाउ कैन आई क्रूक हैव फ्रेंड्स इडियट, आई ऑलमोस्ट शाउटेड। और मैं चिल्ला के कहती हूँ कि क्रूक के कैसे कोई फ्रेंड हो सकते हैं, एटलीस्ट ही हैज वन फ्रेंड, द वन हु मीट्स हिम ऑन संडेज, सेड निषाद। और निषाद कहते हैं एटलीस्ट उनके पास एक फ्रेंड है ना जो उनको संडे को मिलने को आता है। अ बिलियन थॉट अकर्ड टू मी जस्ट देन, दैट मैन मस्ट बी मिस्टर नाथ अकम्प्लाइज इन क्राइम, आई सेड, मे बी ही कीप्स ऑल द लूट एंड ही कम्स नाउ एंड देन टू गिव पार्ट of it to his partner Mr. Nath for expenses, that shit, I'm sure I'm right। तो क्या कहती हैं वो कि ब्रिलियंट थॉट मेरे दिमाग में आया जब तुमने ये सब बोला, और वो मैन कौन है, मिस्टर नाथ का क्या है, क्राइम पार्टनर है, वो उनके साथ क्राइम में उनकी हेल्प करता है, इसलिए वो उनके पास संडे को आता है। इफ यू इंसिस्ट ऑन कॉलिंग हिम अ क्रिमिनल, आई डोंट थिंक आई वॉन्ट टू डिस्कस एनीथिंग विद यू माया, सेड निषाद एंग्रीली। He can't be such a bad man if he gives Ramesh such generous tip। तो उसे कहता है कि अगर तुमने उन्हें फिर से क्रिमिनल कहा तो मुझे नहीं लगता कि मैं तुमसे ज़्यादातर इस बारे में कुछ डिस्कस कर पाऊँगा। और ऐसा वो माया से निषाद बहुत ज़्यादा गुस्से में कहता है, और मुझे नहीं लगता कि वो बैड मैन है क्योंकि वो क्या करते हैं, रमेश को बहुत जेन्युइनली टिप्स देते हैं। रमेश प्रोबेबली नोज समथिंग अबाउट हिज पास्ट, सो मिस्टर नाथ मस्ट बी ब्रीविंग हिम टू कीप क्वाइट, आई सेड। तो कहती है कि मुझे लगता है कि रमेश को शायद कुछ उनके पास्ट के बारे में पता है, जिस कारण मिस्टर नाथ उसको कुछ अच्छी सी टिप्स देते हैं ताकि वो चुप रहे। निषाद क्लेयर्ड एट मी विद हिज आर्म्स टाइटली क्रॉस अक्रॉस हिज चेस्ट, आई वॉज बिगनिंग टू गेट फेड अप विद हिम। तो जो निषाद होता है वो गुस्से से क्या करता है कि जो उसके आर्म्स होता है उसको टाइटली क्रॉस कर देता है चेस्ट पे, और मैं क्या करती हूँ कि उनके बारे में बोलती रहती हूँ, लेकिन वो मुझे बहुत ज़्यादा क्या करता है, गुस्से में देखता रहता है, उसे कोई इंटरेस्ट ही नहीं रहता है। How can we make any progress with our investigation if you take that attitude? Seven, I asked. और क्या करती है,
सेवन से पूछती है कि हम अपने इन्वेस्टिगेशन में कैसे कोई प्रोग्रेस कर सकते हैं अगर तुम इसी टाइप का मुझे एटीट्यूड दिखाओगे, यानी कि तुम्हारा बिहेव इसी टाइप का रहेगा। आई विल कॉपरेट ओनली इफ यू गिव अप दिस आइडिया अबाउट हिम बींग एन एक्सपेक्ट प्रो, सेट सेवन। यू रियली मेक मी एंग्री, आई ऑलमोस्ट हिट हिम। आई मेक यू एंग्री, यू स्टूपिड ऑफ, आई शाउटेड, यू मेक मी मैड, व्हाट इज द। तो क्या होता है कि जो निषाद होता है उसे कहते हैं कि मैं तुम्हें कॉपरेट करूंगा सिर्फ इसीलिए जब तुम्हें मुझे कोई आइडिया दोगे कि वो क्या है, क्रूक नहीं है। ऐसा कौन कहता है? सेवन कहता है। और ये सब सुन के जो माया होती है बहुत ज़्यादा एंग्री हो जाती है। वो क्या करती है, उसको क्या करती है, हिट करती है और बहुत गुस्से से उसे कहते हैं तुम क्या हो, एक स्टूपिड हो, तुम मुझे पागल बना रहे हो। व्हाट इज़ द पॉइंट ऑफ ऑल दीज इंक्वायरीज इफ ही इज नॉट अ क्रूक, इफ यू थिंक ही इज अ नोबडी, व्हाट्स द आइडिया ऑफ बोदरिंग अबाउट हिम, प्लीज टेल मी। तो क्या होता है कि उसे बताती है कि अगर तुम्हें वो लगता है कि वो क्रूक नहीं है तो इन सब पॉइंट्स का क्या मतलब है, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि वो क्या है, अगर वो क्रूक नहीं तो वो क्या है, बताओ। तो निषाद लुक थॉटफुल, आई डिड लाइक टू फाइंड आउट व्हाई ही इज सो थिन एंड व्हाई ही इज सो लोनली, आई वांट टू नो व्हाई ही डज नॉट हैव एनी फ्रेंड्स एंड लीव्स अलोन। तो निषाद बहुत ज़्यादा थॉटफुल होके कहता है कि यही तो पता लगाना है कि वो इतने पतले क्यों हैं, वो इतने लोनली क्यों हैं, उनका कोई फ्रेंड क्यों नहीं है और वो अकेले क्यों रहते हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड सेवन, आई टोल्ड हिम इफ ही इज लिव इन संका हाउस फॉर अ ईयर एंड हैजंट मेड अ सिंगल फ्रेंड, देयर इज समथिंग रॉन्ग। तो उसे क्या बोलती है कि सेवन समझने की कोशिश करो, अगर वो शंकर के हाउस में इतने सालों से रह रहे हैं फिर भी उनका कोई फ्रेंड नहीं है तो इसका मतलब कुछ गड़बड़ है। ही इज ऑब्वियसली स्कर्ड दैट समवन विल रिकॉग्नाइज हिम एंड गिव हिम अप टू द कॉप्स। वो कहते हैं कि उनको हमेशा यही डर सताता रहता है कि कोई उन्हें पहचान न ले और फिर उनको पुलिस के पास ना भेज दे। मे बी नो वंस टायर्ड टू मेक फ्रेंड्स विद हिम, निषाद प्रोटेस्टेड। और निषाद क्या करते हैं, उनको प्रोटेक्ट होके प्रोटेस्ट होके कहते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि क्या पता उनका कोई फ्रेंड ही नहीं बनना चाहता हो। वाई शुड एनी वन बोदर, यू हैव सीन व्हाट्स अ नेस्टी बियर ही इज, आई सेट। तो क्या होता है जो माया, वो कहते हैं कि क्यों उनका कोई फ्रेंड बनेगा, तुमने देखा नहीं वो कितने गंदे तरीके से रहते हैं। आई डोंट केयर, सैद निषाद, स्टूप ओनली, आई लाइक हिम एंड आई एम गोइंग टू ट्राई एंड बी हिज फ्रेंड। वो कहता है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग क्या कहते हैं, बहुत ज़्यादा गुस्से में कहता है। और वो कहता है कि अब मैं जा रहा हूँ ये ट्राई करने के लिए कि वो ऐसे क्यों है, मैं चाहता हूँ कि मैं उनका फ्रेंड बनूँ। फ्रेंड्स विद अ क्रूक, हा यू आर क्रेजी सेवन, आई सैड द कॉप्स विल टेक यू टू जेल विद हिम, डू यू वॉन्ट दैट टू हैपन यू इडियट। तो जो माया होती है उसे कहती है कि तुम क्रूक के फ्रेंड्स बनना चाहते हो और उसका मजाक उड़ा, क्या तुम पागल हो, सेवन में तुम्हें बता रही हूँ कि वो अपने साथ साथ तुम्हें भी जेल में लेके जाएगा, इडियट, तब तुम्हें पता चलेगा। निषाद मेयरली ग्लेड एट मी एंड क्वाइटली वॉक आउट ऑफ द रूम, माई थ्योरी सीम टू हैव मेड नो इम्प्रेशन ऑन हिम एट ऑल। और जो निषाद होता है वो क्या होता है कि दुखी होके वहाँ से चला जाता है मेरे रूम से और बिना कुछ बोले हुए मेरे रूम से बाहर चले जाता है और मुझे लगता है कि जो मेरी थ्योरी है इसका कोई भी इम्प्रेशन उसके ऊपर नहीं पड़ा है। एंड दिस स्टोरी इज़ रिटन बाई श्रद्धा द्विवेदी फ्रॉम द ब्रोकन फ्लूट। आई होप यू ऑल लर्न दिस स्टोरी सो वेल। थैंक यू सो मच।